Hey everyone, so yeah, welcome back again to my part 2 of creatinine level video. Actually today jo hai aaj hum ja rahe hain visit ke liye doctor ke paas, kyunki वैसे तो online consultation हम लेते थे, but this time doctor ने offline बोला है, बोला है पर्सनली आके मीट करने के लिए, क्योंकि क्रेटिनिन थोड़ा सा हाई हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ बातें होंगी, किस रीजन से हुई हैं, ये सारी चीजें जो है सामने ही क्लियर आउट होती हैं, क्योंकि हम तो गेस करते रहते हैं कि क्या हुआ है, क्या मेरे डाइट में कुछ गड़बड़ हो गई, या फिर मैंने वैसे तो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि सजेशंस जो है स्टार्ट हो जाते हैं, आपके फैमिली में टेंशन बढ़ने लगते हैं कि क्या बात होगी या क्या बात होगी ये. सो फाइनली आज डॉक्टर के पास हम विजिट कर रहे हैं. एंड यस, ये है बंदे जिनके साथ हम जाते हैं यूजुअली. एक्चुअली मैं अकेली जाती हूँ, बट आई वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, लाइक कुछ मुझे अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, फील नहीं हो रहा है. और वैसी बात है क्योंकि साथ में मुझे थोड़ा सा वायरल के भी सिम्टम्स आ रहे हैं, सो आई थॉट कि दिस टाइम आई विल गो अलॉन्ग विथ हिम ओनली. सो यस, लेट्स हेड टुवर्ड्स द हॉस्पिटल. सो आई एम बैक होम. आज हम बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गए. आप लोगों ने देखा भी होगा, बीच बीच में हम वेट कर रहे थे डॉक्टर के लिए, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, और मैंने रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रिकॉर्ड ना करें तो बेटर होता है, यू नो. तो हर टाइम हर मोमेंट ज़रूरी नहीं आप कैप्चर करो. फिर तो क्या हुआ था, हम 11 बजे ही सुबह के पहुंच गए थे, जैसे आपको अपनी वीडियो में देखा, और ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम पहुंच गए थे. हमने सोचा कि जल्दी ही पहुंचेंगे तो डॉक्टर से कंसल्टेशन जो है जल्दी हो जाएगी, फिर हम घर भी जल्दी आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ. कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारे बिल्कुल ऐसे नहीं जाते, अच्छे नहीं जाते. सो इट वॉज लाइक 5 o'clock पर डॉक्टर आए थे, और उसके बाद से 5:30 पर हमारा नंबर आया था. तो हम कंसल्ट करने गए तो इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम, मतलब एक साल में पहली बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर गुलेरिया ने मुझे ये बोला दैट रश्मि आई एम नॉट हैप्पी विथ योर रिपोर्ट. तो ऐसा मुझे उस टाइम फील हो रहा था जैसे हम टीचर के सामने होता है ना, टीचर के पास जब जाते हैं क्लास में, या अच्छा जब परफॉर्मेंस करते हैं तो हमेशा यू नो अच्छा अच्छा सुनने को मिलता है, लेकिन जब थोड़ा से मार्क्स आपके कम आ जाते हैं तो उस टाइम टीचर आपसे पता है क्या हुआ, व्हाई दिस हैपेंड. तो उस टाइप का मुझे फ़ील हो रहा था, क्योंकि हमेशा डॉक्टर जो है मेरे रिपोर्ट्स देख के हमेशा मुझे ना कहते थे इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड. बट दिस वॉज द टाइम एंड ही सेड रश्मि आई एम टोटली नॉट हैप्पी विथ योर रिपोर्ट, आई डोंट नो वाई दिस क्रेट इज़ गोइंग अप. सो इट वॉज लाइक मैंने कुछ कहा नहीं वहाँ पर, क्या कह दी मैं. सो मैंने बस डॉक्टर से ये पूछा कि क्यों क्रेट मेरा जा रहा है, क्योंकि मैं अभी डाइट भी अपनी सही ले रही हूँ, पानी का इनटेक भी सही कर रही हूँ, एक्सरसाइजेज भी कर लेती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी, फिर भी क्यों मेरा क्रेट जो है लो जा, आई मीन हाई जा रहा है, सॉरी हाई चला गया है. तो डॉक्टर ने ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला, लाइक मुझे कितने लोगों ने सजेस्ट किया था, तो हो सकता है डॉक्टर जो है आपके बायोप्सी के लिए बोले, बट बायोप्सी के लिए तो उन्होंने नहीं बोला. उन्होंने जल्दी ही एक हफ्ते के अंदर फिर से मुझे बुलाया है विजिट के लिए, बट हाँ उन्होंने साथ में जो है मुझे 2 मेडिसिन ऐड की हैं, और प्लस कुछ टेस्ट जो है लिखे हैं उन्होंने करवाने के लिए, और एक हफ्ते में ही मुझे तुरंत रिटर्न देना है, जाना है वहाँ पर.
तो दो कैप्सूल्स जो ऐड किए हैं टैबलेट्स, एक तो विटामिन डी की है और दूसरी जो है मल्टी विटामिन्स हैं, और तो मल्टी विटामिन्स और प्लस एक जो है मेरा वो है ब्लड प्रेशर की दवा, एक बढ़ा दिया है उन्होंने। और जो टेस्ट उन्होंने दिया है वो टेस्ट है मेरा CBC, KFT, LFT, देखिए लिपिड प्रोफाइल है, फिर 24 आवर यूरिन फॉर द प्रोटीन एंड अल्ट्रासाउंड। सो ये सारे जो टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट मुझे करवाने हैं, और ये एक साल में इतने सारे टेस्ट मुझे पहली बार डॉक्टर ने करवाने को बोले। इससे पहले बस जो टेस्ट होते थे वो मेरे होते थे KFT, CBC एंड टैक लेवल, इनके जो यूजुअली हम सबके टेस्ट होते हैं। इससे पहले कभी मेरा प्रोटीन का वगैरह कभी कभी डॉक्टर ने टेस्ट के लिए नहीं बोला था, सब कुछ अच्छा जा रहा था सारे इसीलिए। बट दिस टाइम ये सारे इतने सारे टेस्ट हैं जो मुझे करवाने हैं, और जितनी जल्दी हो सके मुझे डॉक्टर को विजिट करना है। डॉक्टर ने सर कि मैं बार बार डाइट का ही पूछती हूँ कि डॉक्टर कहीं और कुछ और चेंजेस कर लूँ मैं अपने डाइट में, क्यों ऐसा हो रहा है ना, तुम घर का खाना खाओ जैसे खाते हो, कुछ भी खाओ घर का, हर खाओ शुद्ध खाओ एंड ऑल। उनका और कुछ ये नहीं होता कि बिल्कुल ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, उनको कहते हैं जैसे नॉर्मल लोग खाते हैं वैसे खाना खाओ, घर का खाना खाओ, फ्रेश खाना खाओ। इन्होंने बस इतना ही टिप्स दिया, और जो मैंने बताया विटामिन का, मल्टी विटामिन का, ये ही सारा ऐड किया है इन्होंने। और लेट्स सी कि अब रिपोर्ट्स में मेरे क्या आते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत घबराहट होता है कि अगर डॉक्टर जब आपका बोल दे रहा है कि वो खुश नहीं आपके रिपोर्ट से, तो कुछ ना कुछ है, बट इट्स ओके। वो सारे तो टेस्ट के बाद पता चलेंगे। तो आप लोग में सब लोग पूछ रहे थे कि क्या डॉक्टर ने बोला क्या नहीं बोला, तो मेरे डॉक्टर ने ही बोला और यही सारे टेस्ट बोले करवाने के लिए। तो मैं आप लोग को अपडेट करती रहूँगी कि टेस्ट की रिपोर्ट्स में क्या आए और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद क्या हुआ, एंड अगर मेरा क्रेड जो है कम हुआ है नहीं है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों से अपडेट करती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, और जो लोग भी मुझे कमेंट्स में राय दे रहे हैं कि आप ये कर लो ये कर लो, थैंक यू सो मच फॉर सच सजेशंस, क्योंकि हम सारे ही रेसिपेंट हैं। मैं जब सारी बातें जो आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोग मेरी फैमिली हो, तो अच्छा लगता है जब कोई अच्छे सजेशंस देता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लोग के पास और भी कुछ अच्छे सजेशंस हैं तो प्लीज़ दीजिएगा, ताकि मैं भी इन्वॉल्व कर सकूँ आप सबके सजेशंस को। एंड हमेशा की तरह थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप देख सकते हैं एक बदमाश है मेरे बगल में जो कि अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, एंड डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।